हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा दे लगे दिया, तो जाओ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक इंक है क्या? घंटी का बदन नहीं जमाना। फेस मैच हुआ? हुआ मतलब मेरा वोट क्लियरली रेक हुआ है ना? हेलो, ये वोटिंग बूथ रेक्ड है, सब अपने घर चले जाइए। ए, रुक जाओ, कोई वापस मत जाना। ये क्या पागलपन है? रूल के मुताबिक तुम्हारा वोट मिस होता है तो टेंडर बैलेट पर साइन करना पड़ता है। हट जाओ। मेरा वोट मिस नहीं हुआ है, क्लियरली रेक हुआ है। वोटिंग कैसे हो सकती है? ए, वोटिंग रोकने वाला तू कौन है? ये पूछने वाले तुम कौन हो? पोलिंग ऑफिसर हो? नहीं ना, जाओ। कौन है भी? कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर को बुलाइए, तब तक वोटिंग बिल्कुल नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम है? ओह, तो आप ही हो वो कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर। इस बार कौन सी पार्टी ने पैसे दिए हैं? ए, पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है। टेंडर बैलेट पे चुपचाप साइन करो और निकलो। टेंडर बैलेट पे मैं सिग्नेचर क्यों करूं जब क्लियरली मेरा वोट रिग हुआ है? और कितने वोट रिग हुए हैं क्या पता, इस बूथ को रोकना ही होगा। बड़ा मत यार, यहां से निकल लेते हैं, चल ले यार। मैं क्या कर रहा हूं मुझे पता है, तू जा यहां से। ओए क्या कर रहा है बे तू? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, इसका वोट मिस हुआ बोलकर पोलिंग रोकने की कोशिश कर रहा है। मिस नहीं हुआ है, मेरा वोट रिग हुआ है। आए, आए। वोट रिग हुआ है तो बैलेट पे दस्तखत करके जाओ यहाँ से। यहाँ पे लफड़ा मत करो। ओहो, वोट रिग हुआ है ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन इतना ही है? अगर लॉजिकली कहूँ ना तो सिर्फ इस एक बूथ को नहीं, सारे इलेक्शन को रोकना चाहिए। ये बात यहाँ नहीं, इलेक्शन कमीशन में जाकर करो। हाँ, मैं वहाँ भी बात करूंगा। एक वोट के रिग होने में और मिस होने में बहुत बड़ा फर्क है। लॉजिकली एक भी वोट अगर रिग होता है ना तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते। अगर एक मर्डर को गलत नहीं माना तो 100 मर्डर्स भी गलत नहीं होंगे। यहाँ एक ही वोट रिग हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? ये पूरा बूथ रिग नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? 100% रिगिंग फ्री इलेक्शन इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इंचार्ज होने के नाते इस बूथ को तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ये तुम्हारा बेटा है ना? यस सर। इज्जत से टेंडर बजट पे साइन करो और जाओ यहां से, वरना अर्बन नक्सल के नाम पर सबको अंदर कर दूंगा। तुम्हें पता है इसका मतलब? तुम्हारा MIT एडमिशन, अमेरिका का ड्रीम्स सब बर्बाद हो जाएगा। निकल जाओ यहां से। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? कलेक्टर के तौर पे आप इस जिले के सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। आपको उन्हें अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने पुलिस के होते हुए भी हम पर हाथ उठाया। अर्बन नेक्सल्स तो वो हैं जिनकी रक्षा करते हुए आप हमें धमकी दे रहे हो। उस समय के लिए इमोशंस को किनारे रख के बात करते हैं। आओ, तुमने सही कहा, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा और पुलिस को भी नहीं आती। पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में रहने वाले सिविल सर्वेंट्स को कभी नहीं आएगी। अभी तुमने कहा ना, उन गुंडों में और हमें कोई फर्क नहीं है। छोटे, इस देश में हर कोई इंजीनियरिंग पर कितना मिलेगा, मेडिकल में कितना मिलेगा, MBA करने पर कितना मिलेगा, इस तरह से हिसाब लगाते हैं। लेकिन IAS बनने वाला सिर्फ देश का कितना भला होगा ऐसे सोचता है। पर सिलेक्शन के 6 महीने बाद ही, जैसा तुमने कहा, बिना शर्म के जीने की आदत बना लेता है। बाहर से पत्थर मत फेंको, कभी अंदर आकर देखो तब पता चलेगा। यह बूथ विशाखा वाणी का है, डिस्क्वालीफाई करना मुश्किल है, ऐसा करना तुम्हारे लिए रिस्क है। सो इस वन साइड वॉर में लाइफ बर्बाद मत करो। फ्लाइट लो और निकल जाओ। एक हफ्ते में अमेरिका जाने वाले हो, इन सब झंझटों में मत पड़ो। वैसे भी भागने वाले को देश के बारे में बोलने का हक नहीं। जाओ।